अभी मुंबई जाने का प्लान भी शायद से पोस्टपोन हो सकता है, शायद से। सलाम आदाब, सत श्री अकाल, केम शो का सका है, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है 10 जुलाई, सैटरडे है। खासा कुछ प्लान है नहीं आज, जैसे कल हम लोग गए थे बाइक सर्विसिंग के लिए, लेकिन आज वैसा कुछ प्लान नहीं है, कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं है। और बादल देखो, ऐसे में इंसान क्या ही प्लान बना है, हिल स्टेशन का प्लान बना, लेकिन हम खुद हिल स्टेशन पे हैं तो क्या ही बनाएगा प्लान। और बारिश कभी भी आ सकती है, इसलिए बाहर जाने का मन है नहीं, क्योंकि 2 दिन से लगातार भीग रहा हूँ मैं, तो उसकी वजह से बीमार भी पड़ सकता हूँ। तो फॉर सेफ साइड आज पूरा टाइम घर में रहूँगा, पूरा टाइम घर में ही व्लॉग करूँगा, क्योंकि बादल देख रहे हो आप, ये पूरा जो है पूरा बादल से, सुबह तो इससे भी घना बादल था, पूरा ऐसा फॉग फॉग हो गया था। और उधर पे एक पहाड़ है, वो मैं आपको अभी तो दिख नहीं रहा है, बाद में आपको दिखाऊंगा ज़रूर। अभी ये वाइड एंगल पे मैं शूट कर रहा हूँ, इसलिए उतना ये नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि बादल की वजह से वो पूरा ढक गया है, तो अभी तो नहीं दिख रहा है वो, मुझे खुद को नहीं दिख रहा, तो कैमरा में तो क्या ही दिखेगा। तो इसलिए देखते हैं अभी पूरा दिन क्या करना है। अभी पहले तो फटफट ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, नहा धो के तो रेडी हूँ, फटफट ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। सो अभी जा रहे हैं दूध लाने। वेल, दूध लाने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो भैंसे हैं, 2 भैंसे हैं, वो बेबीज देने वाले हैं अभी एक आध महीने में, तो फिलहाल के लिए वो दूध नहीं दे रहे हैं, बेबीज होने के बाद दूध देंगे, तो उसके लिए दूध जो है नेबर्स से लाना पड़ता है हम लोग को। मैंने सोचा कुछ था नहीं, यही बता दूँ आप लोगों को। कुत्ते जो है वो हम लोग का ही डॉग है, मतलब पिद्दी सा था, तभी लेके आया था मेरे डैड ने उसको। अभी साला धोखेबाज दगेबाज दूसरे के यहाँ पे, जहाँ पे मैं दूध लेने जा रहा हूँ ना अभी, वो लोग के यहाँ पे जाके रहता है, वहीं पे खाता है, वहीं पे पीता है, हम लोग के पास आता ही नहीं है। क्यों? उसका भी एक रीज़न है, ये कहाँ गया, ये बंदा, इसने उसको काट के भगा दिया एक दिन, उसके बाद से वो वापस आया नहीं। ही इज़ लाइक मेरे ईगो पे आ गया, अब मैंने आना ही नहीं वापस जब तक तो वो बंदा वहाँ पे, उसको कितना भी बुला वो आता ही नहीं है। दूध ले लिया, पप्पा अब भी आए, एक्चुअली रोज़ इनके साथ ही आता हूँ, लेकिन अभी कैसा है पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया ना बारिश की वजह से, तो बाइक स्लिप करती है, इसके लिए मैं सोचा मैं चल के ही आ जाता हूँ, कौन वो रिस्क लेगा फिर। और ऊपर से दूध का, गाय का जो दूध है वो गांव में मतलब डेयरी में डालने के लिए जाते हैं ना, तो वो भी बंदा रहता है, तो अगर स्लिप हो गए, हम लोग गिर गए चलेगा, लेकिन दूध गिर गया तो फिर तुम ही उस पर अंत में दूध घून चाल लो पन का है लक्षात नहीं है पन कितने जाए का कितने पन आनलास पस पन सैंडर्स आई विन ए चल। अभी चलो घर पे चलते हैं। आई थिंक सो 5 मिनट का व्लॉग तो मैंने यहीं पे कर लिया, तो एक काम करते हैं सीधा घर पे पहुँच के, सीधा घर पे पहुँच के जो है आपसे बात करता हूँ जो भी है। अभी दूध आधा आई थिंक सो स्पिल हो चुका है, तो उसको ध्यानपूर्वक घर पे, अरे उसको ध्यानपूर्वक घर पे पहुंचाना है। और मेरी लुंगी खुल गई वापस से, आई मीन टू से कमर से नहीं, जो ऊपर करके बांधा था वो, तो एक काम करते हैं घर पे पहुंच के फिर बात करते हैं। देखो भागते 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 मुझे आधे रास्ते में छोड़ के खुद घर पे आके बैठ गया, अभी इसका मस्ती चालू। ए ए ए इसको मस्ती मस्ती करने के लिए चाहिए रहता मस्ती। थम आ दो मैं। अभी प्लान कुछ ऐसा है कि अगले 2 दिन में शायद से हम लोग मुंबई के लिए निकल सकते हैं, तो उसका अभी तक फिक्स है नहीं, या तो कल या तो फिर परसों हम लोग निकल सकते हैं मुंबई के लिए, लेट्स सी उसका क्या होता है। मेरा ट्राईपॉड यूज़ कर रही है बंदी, मेरे को व्लॉग करने के लिए ट्राईपॉड नहीं है, और मेरा ट्राईपॉड यहाँ पे यूज़ हो रहा है काम करते करते मूवी देखने के लिए। ओ मैडम
हाँ बाय द वे मंडे शायद से अपन मंडे को निकल सकते हैं। कल काकू को बुलाएंगे तो, और कल थोड़ा मिर्ची विर्ची का काम है, तो मंडे को निकलने का प्लान। तो शायद से हम लोग मंडे तक निकल जाएंगे यहाँ से मुंबई के लिए, और लेट्स सी अभी आगे का क्या होता है। बाय क्या होता है अभी फिलहाल, तो दोपहर में शायद से खेत में जाना है, वो लगा मिर्ची का जो काम है उसका थोड़ा देखना है कि कितना है क्या है, कितना ला सकते हैं लगाने के लिए। तो उस टाइम पे अगर जाते हैं हम लोग वहाँ खेत में तो आपको बता दूंगा। अभी हम लोग आए हैं खेत में, एक छोटा सा काम है, जैसे मैंने बताया था कि कल मिर्ची का जो है लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो उसके लिए सब मेजरमेंट्स लेंगे कि कितना लगेगा, कितने डिस्टेंस पे लगाना है, क्या करना है। तो अभी ये जो खेत है इसमें पूरा लगेगा, यहाँ से लेके वो अंबे का पेड़ है वहाँ तक पूरा ये मिर्ची से भर जाएगा कुछ टाइम में। तो लेट्स सी अभी ये क्या होता है। और अभी सीन यहाँ पे ऐसा है, एकदम नरम नरम हो गया, ये देखो पैर इतना अंदर जाता है, मिट्टी जो है नरम हो गई है एकदम, और बारिश गिरने के बाद तो वो और सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया, पैर पूरा अंदर ढंस रहा है, पूरा मेरे जो क्रॉक्स है वो पूरे, ये देखो अगर मैं बिना चप्पल के आता ना, एक मेरे को नेचुरल चप्पल मिल जाता। सो देखते अभी क्या करना, थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ, फिर बाद में आपसे बात करता हूँ। तो अभी बात ऐसी है कि आधा काम हो चुका, आधे से भी कम काम हो चुका है, सिर्फ मेजरमेंट लिया है। तो अभी नया जो ट्यूबक का पाइप से, मतलब जिसमें से पानी गिरेगा, फिर जो मिर्ची के जो पौधे मतलब रहते ना, पौधे रहते वो लेके आना है, तो थोड़ा बहुत वो सिंपल काम कर लिया, अभी जाके वो पौधे लेके आने हैं और पाइप लेके आना है मेन। तो फिलहाल के लिए तो जा रहे हैं रिटर्न, और ये हमारा हेल्पर बैठ के हमें देख रहा था कैसे कर रहे। ए ए हीरो का है, हाँ ये हमें गार्ड कर रहा था कब से बैठ के, आ गया ध्यान ही नहीं है। चलो देखते हैं, अभी वापस से मिलते हैं, सब सामान लाने के बाद फिर वापस से मिलते हैं। चलो भैया अभी अपना सुबह का जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सुबह आए, सब सामान लेके आ गए, पाइप भी सब लेके आ गए, उसके बाद लंच विंच हुआ 1 बजे, उसके बाद फिर ख़त्म, सो गए सीधा। फिर अभी मेहमान आए थे, वो जाने के बाद अभी वापस से अपने काम पे लगते हैं। चलो थोड़ा सा काम बाकी हो करके फटफट आते हैं। सुबह जो मैं पहाड़ों के बारे में बात कर रहा था, ये देखो ये वो पहाड़ है, एक्चुअली वहाँ से लेके ऐसा पूरा कवर होता है वहाँ तक। तो ये पहाड़ सुबह फॉग में और बादलों के पीछे पूरा छुप जाता है। अभी भी बादल देखो कितने घने हैं, एक साइड में सूरज देवता है, क्या व्यू है, एक साइड में सूरज देवता है, एक साइड में घने बादल है। बारिश का बोल नहीं सकते कभी होगी, शायद से रात होते होते बारिश भी आ जाए। एक्चुअली ये सब जो ट्यूबक्स हैं ये वहाँ पे लेके जाने का है, सुबह बिछा रहे थे ना वैसे बिछाना, और ये जो पाइप है ये एक लेके जाना। अपनी गाड़ी चली, पीछे पूरा पाइप है लकड़ी पे, मस्त अभी लेके जाने का वहाँ पे फुल। अभी ये हाथ में ये हाथ में ये नहीं होगा अच्छे से, वहाँ पे जाके मिलते हैं। चलो चलो तब तक के लिए क्या करना है आपको, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना है, जल्दी जल्दी चलो। अभी अपन आ गए खेत में, बस मैं यहाँ पे बिछा देंगे, ये कैसा ये वाला पाइप कैसे बिछाया वैसे पूरा बिछा देंगे पूरे खेत में,
डैड भी आ गए बड़ा बड़ा पाइप लेके। वो पाइप एक्चुअली यहाँ पे लगेगा ये इधर चैम्बर में, तो वो नया पाइप लेने का था तो उसके लिए सुबह गए थे। ये तो क्या घर में पड़ा हुआ था। सो अभी फटफट अपना काम कर लेते हैं, निपटा लेते हैं, क्योंकि अभी शाम हो रही है, अंधेरा होने से पहले सब निपटा लेते हैं। तो अभी जितने भी ट्यूबक के पाइप हैं ट्यूबिकिंग के लिए मतलब बिछा दिया है। अब शाम हो गई है, दूसरे भी काम है घर पे, इसके लिए अभी ये जो पाइप जो है बड़े वाले इन लोग ऐसे ही छोड़ के कल आके ये जो पाइप है ना, ये जितने भी पाइप है वो सब उसमें जॉइंट करना है, और वो बड़ा पाइप उधर वो जो चेम्बर है उसमें जॉइंट करना है। सो उद्याच मिरची लावायचं ना, बघू ते काका ओपन बोलायला बघू। सो लेट्स सी कल मिरची हम लोग यहाँ पे मतलब लगाएंगे या नहीं, लेकिन फॉर श्योर है कि ये जो पाइप का काम है जितना भी वो हो सकता है, बाकी मिर्ची लगाने का काम लेट्स सी कल होता है कि नहीं, उसका अपडेट तो आपको कल के व्लॉग में मतलब अगले व्लॉग में तो मिल ही जाएगा। फिलहाल के लिए चलते घर पर, शाम भी हो रही है, यहाँ पर एकदम बादल छड़ गए, हट गए एकदम, बस वहाँ पे जो है बादल देखो कितने घने फिलहाल। सो फार सो वेरी गुड गाइस, वक्त आ गया वीडियो यहीं पे एंड करने का। आज का दिन अच्छा था, मस्त छोटा मोटा काम किया लेकिन अच्छा लगा, रेस्ट भी उतना ही किया, काम भी उस हिसाब से किया। अभी कल ज़्यादा काम है, अब वो काम होगा नहीं होगा उसका कुछ आइडिया नहीं है, वो तो कल ही पता चलेगा। तो लेट्स सी कल का क्या दिन, क्या कैसा दिन गुजरता है, क्या होता है, आपको तो व्लॉग में पता चल ही जाएगा। सो वीडियो जो यही पेंड करता हूँ विद दैट सेड, एज ऑलवेज खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खुद का भी खुद के फैमिली का भी ख्याल रखिए, मास्क ज़रूर पहने बाहर निकलते वक्त, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और डोंट कोट मी ऑन दिस बट ऐसा कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी बहुत जल्द आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं तो उस हिसाब से ऐसा बोला जा रहा है। अभी मुंबई जाने का प्लान भी शायद से पोस्टपोन हो सकता है, शायद से, वो भी कल के व्लॉग में आपको फाइनल पता बता दूंगा मैं क्या सीन है। तो विद दैट सेड एज ऑलवेज, हास्ता ला विस्ता, टेक केयर, बाय बाय।